नमस्कार, मैं संजय सनम आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के चक्रव्यूह को देखने की कोशिश करूंगा। अब कुछ दिन पहले मैंने ज्योतिष होरारी ज्योतिष से उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब के राजनीतिक चुनाव के समीकरण और क्या निकल सकता है परिणाम उसका फोरकास्ट किया था। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने उत्तर प्रदेश चुनाव गणित के उस वीडियो को लोगों तक बहुत दूर तक पहुंचा दिया। मैंने बहुत ईमानदारी से कोशिश की थी, वो ज्योतिष की कोशिश थी। आज मैं राजनीतिक रूप से थोड़ा बहुत परखने की कोशिश कर रहा हूँ और उस वक्त मैं ज्योतिष को भूल जा रहा हूँ कि ज्योतिष में ज्योतिष की गणित में क्या था। जब मैंने ज्योतिष की बात की उस वक्त मैं राजनीतिक समीकरणों को भूल करके जो ज्योतिष के सितारे कह रहे थे मैंने वो बात आपको कही। और आज जब मैं राजनीतिक चक्रव्यूह को देखने की कोशिश कर रहा हूँ तब मैं उस ज्योतिष की गणित को एक तरफ रख दे रहा हूँ क्योंकि दोनों का कोई मेल नहीं है। ज्योतिष बताता है जो होने वाला है, हो सकता है वो अभी दिखे नहीं। और मैं आज जो बात कर रहा हूं वो होगा क्या, लेकिन जो दिख रहा है मैं उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। कुछ संभावनाएं, हाँ वो मैं ज्योतिष की संभावनाएं लूंगा और वो मुख्यतः मैं ये लूंगा कि मुझे याद आ रहा है कि मेरे उस ज्योतिष विश्लेषण में नारी का प्रभाव मैंने विशेष रूप से इंगित किया था और वो प्रभाव दिख रहा है। उस प्रभाव को मैं कहां लूंगा ये आप मेरे साथ रहिए, आपको पता चलेगा। आइए थोड़ी सी बात करते हैं राजनीतिक रूप से। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी विचित्र राजनीति है और बड़ी विशाल राजनीति है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के दंगल को जो जीत लेता है और वहां से जितनी सीटें आ जाती है, ये लोकसभा की बात है, तो प्रधानमंत्री कि रेस का वो सबसे बड़ा दावेदार वो पार्टी बन जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी विशाल है, विस्तृत है और कुछ विचित्र भी है। जात पांत संप्रदाय भाषा जैसे दूसरी जगह होते हैं, यहां पर कुछ कुछ अधिक है और जोर से चलते हैं और बैलेट पर बुलेट का प्रभाव भी यहाँ पर काफी दिखा है, दिखता आया है। इस बार चूंकि अब चुनाव आयोग काफी सख्त है और पूरी व्यवस्था के साथ हो रहा है, इसलिए हो सकता है ये प्रभाव कम हो। जातिगत समीकरणों का प्रभाव है और भावनागत समीकरण को भी हम कम नहीं मानेंगे। भावनागत समीकरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कोई बात, किसी भी नेता का कोई भाषण, कोई शब्द अगर किसी के मन में लग गया तो उसका वोट इधर से उधर हो सकता है और उत्तर प्रदेश भी इस मामले में आगे है। लड़ाई अखिलेश और राहुल तो साथ हो गए, अखिलेश और राहुल को चाचा से चुनौती है, मोदी जी से चुनौती है और अपनी बुआ जी से चुनौती है, मायावती जी से चुनौती है। तो अगर मैं कहूं कि चक्रव्यूह में घिरा कौन है तो चक्रव्यूह में घिरे तो अखिलेश लगते हैं क्योंकि घर से ही चुनौती है और बाहर से भी चुनौती है। ये अलग बात है कि उन्होंने जबरदस्त दाव खेला और एक समय के पहलवान अपने पिताश्री को भी चित कर दिया। ये घर में उनकी विजय है लेकिन ये विजय क्या बाहर विजय रह पाएगी, क्योंकि घर का द्वंद्व घर की कलह है और अपने आप को आगे लाने, अपने आप को उस जंग का हिस्सा बताने की जो कड़ी है उसमें जो दांव पे चल रहे हैं
मुझे लगता है कि विरोधियों से ज्यादा खतरा अखिलेश को अपनों से है। यद्यपि डिंपल यादव की भूमिका ने अखिलेश को बहुत मजबूत किया है। मैंने पहले भी कहा था कि नारी शक्ति का रोल यहाँ पर अहम दिखेगा, तो डिंपल यादव की भूमिका यहाँ बहुत मजबूत है। वो अखिलेश के लिए रक्षा कवच से बन रही है। अर्पणा यादव वो भी काफी प्रभावित कर रही है। अभी चुनाव जीत जाए लेकिन संभावना है आगे अखिलेश के लिए वो खतरा है, क्योंकि उस महिला का व्यक्तित्व तो बहुत प्रखर है, बहुत प्रभावी है, और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत जीवटता के साथ किसी भी बात को कहने की हिम्मत रखती है, और राजनीति में जनता के लिए ये बात बहुत सकारात्मक होती है। जनता उस राजनेता राजनेत्री को ज्यादा पसंद करते हैं जो सच्चाई को कहने में विश्वास करते हैं, क्योंकि सच्चाई को कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो जनता की बात को कहते हैं। हाँ, उसकी वजह से वोटों में फेरबदल होता है, परिवर्तन होता है, इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ये चिंता नहीं करते वो अपनी अपनी ब्रांड इमेज बनाते हैं, और आज अर्पणा यादव को जरूरत ब्रांड इमेज बनाने की है, और उनकी ब्रांड इमेज ऐसे ऐसे बयानों से ही बनेगी जिसमें वो बेबाकी से जीवटता के साथ हकीकत को उठाएगी और बात को कहकर निकल जाएगी, और लोग उस लीक को देखते रहेंगे कि वो क्या कह के चली गई। उससे पार्टी को नुकसान फायदा ये पार्टी देखेगी, लेकिन अर्पणा यादव को अगर अपनी ब्रांड इमेज बनानी है तो उनको जो जनता सुनना चाहती है, जो जनता देख रही है, भोग रही है, सुन रही है, समझ रही है, वो जनता आपके मुंह से सुनना चाहती है। अगर आप उस बात को कह दोगे तो फिर जनता आपकी हो गई, और जनता अगर आपकी हो गई तब इसका मतलब आप की राजनीति का आपका अपना नाम एक तरह से ब्रांड बन गया, और ये आपकी ब्रांड इमेज है, और अगर आप उस ब्रांड इमेज को बना लेते हैं उसके बाद आप फिर नेतृत्व देने वालों की कतार में आ जाते हैं। कार्यकर्ता से आप सीधे नेता बन जाते हैं, और जब आप उस कतार में आ जाते हैं उस वक्त आपकी उस ब्रांड इमेज के साथ आपके कुछ नए नियम, कुछ नए उसूल, कुछ नई परिभाषाएं उस पर अगर दे दी जाती है, लॉन्च कर दी जाती है, तो इसका मतलब आपकी ब्रांड इमेज का एक विजन प्रोडक्ट लॉन्च हो गया कि आपका विजन क्या है, आप किस तरह से काम करना चाहते हैं और आप किस तरह से बदलाव करना चाहते हैं। तो ये अर्पणा यादव जी के लिए बहुत खास बात है कि उनको अपनी ब्रांड इमेज बनानी है और उनको अपने ही घर में संघर्ष करके आगे बढ़ना है, ये एक सच्चाई है। शिवपाल सिंह जी कितने वोट काट रहे हैं अखिलेश जी के, उनकी पार्टी के, वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो है कि अखिलेश जितने दिख रहे हैं छाए हुए, मुझे लगता है उतने हैं नहीं, और अगर डिंपल यादव का साथ इतनी सक्रियता से नहीं होता तो अखिलेश अब भी पिछड़े हुए लगते हैं, लेकिन अभी वो काफी आगे दिख रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक संभावनाओं में, विश्लेषण में काफी आगे दिख रहे हैं, फिर भी चक्रव्यूह से घिरे हुए हैं। अब वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घिर जाते हैं और वापस नहीं आ पाते, या फिर चक्रव्यूह को तोड़ करके वापस आ जाते हैं, ये 11 मार्च की तारीख बताएगी। अगर इसमें अगर मैं ज्योतिष की गणित को लाऊं तो उस होरारी चार्ट का जो विश्लेषण है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब एक नजर थोड़ी सी मायावती जी पर भी। मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि दलित
मुस्लिम वोट की राजनीति इनकी बड़ी मजबूत है। और इसके आधार पर राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा है और राजनीति के तवे पर बड़ी करारी रोटियां सेकी गई है। लेकिन इस बार क्या वो रोटियां सेकेगी? इस बार क्या मायावती जी इस दलित और मुस्लिम राजनीति को अपने नियंत्रण में रख पाएगी? क्या वे वोट कहीं कट जाएंगे, कहीं पट जाएंगे? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल बसपा के लोगों के मन में भी आ रहा है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो हालात बहुत अच्छे नहीं है। वोटों का ध्रुवीकरण, उन वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है जो सोचे समझे थे कि ये हमारे हैं। और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, ऐसी बातें भी आ रही है, क्योंकि पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं संभवतः भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान से कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए और तीन तलाक के मुद्दे पर कि अगर ये महिलाओं का शोषण है, अगर ये उत्पीड़न है, तो उस पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव हुई थी और जिस तरह से बहसें चलने लगी थी, जबरदस्त वाद विवाद विचार विमर्श होने लगा था, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी खुलकर के आगे आई थी, कुछ मुस्लिम जो हैं प्रतिनिधि वो भी इसके पक्ष में आए थे और बहुत सारे लोग अपोज में भी थे कि भाई ये शरीयत का कानून है, सरकार को इसमें दखल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस वातावरण की बात करूं, जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव में कोई भी घटना, कोई भी बयान चुनाव के परिणाम को तत्क्षण मोड़ सकता है। एक बयान अगर ऐसा आ जाए जो जनता के दिलो दिमाग में छा जाए, तो जनता के सारे वोट उसकी तरफ चले जाते हैं। और एक बयान अगर ऐसा आ जाए जिसमें जनता के दिल को लग जाए बात, तो जो वोट उसको जाने थे वो कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि जनता इमोशनल है और उसके दिल को हर्ट करने वाली बात का वो जवाब देती है। ये अलग बात है कि बहुत सारी चीजें जाति मजहब के आधार पर चलती है, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है, मैं उनकी बात कह रहा हूं, जो अशिक्षित वर्ग है उनको जो कह दिया जाता है वो वही करके आ जाते हैं, ये अलग बात है। कई बार वे लोग भी जब सवाल जवाब करते हैं, अब वो बात नहीं रही जो आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी। जनता सवाल भी पूछती है और जनता जवाब पर भी सवाल पूछती है, मतलब क्वेश्चन पर क्वेश्चन जनता के द्वारा अब पूछे जाने लगे हैं। और इसलिए राजनीति के क्षेत्र में नेताओं के लिए अब कुछ दिक्कत होगी, और होनी चाहिए, वे ही लोग चलने चाहिए जो राजनीति में वास्तव में जनता के लिए काम करने आए हैं, वे लोग चलने चाहिए, उनका स्वागत। वो किसी भी धर्म से आए, किसी भी जाति से आए, हमें इंसान अच्छा चाहिए, उसकी धर्म जाति कुछ भी हो, क्या मतलब है, उसका विचार अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए और जनता के प्रति वो समर्पित होना चाहिए। उसके मन में किसी भी मजहब या जाति या भाषा के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए और जनता को यही चुनना चाहिए। तो ये मायावती जी की जब हम बात कर रहे थे तो कुछ छवि तो उससे भी नुकसान हुआ है कि दलित समाज की विचारणीय स्थिति और मायावती जी की वैभवशाली स्थिति, क्या कुछ दलित पैसे कमाकर धनी हो जाए उससे हमारे दलित समाज का भला हो जाएगा? लोग ये पूछ रहे हैं। समाज का भला तभी हो सकता है जब समाज से उठा हुआ वो व्यक्ति अपने समाज के नीचे से नीचे तबके के लोगों तक मानवीय जीवन की वो सुविधाएं पहुंचाए
और उनको शिक्षित करें, उनको स्वावलंबी बनाए। सिर्फ सहायता पहुंचाना ये नेक काम नहीं है। सहायता आप एक बार दो बार पहुंचा दीजिए, ये तो ऐसा हो गया जैसे आप उसको भिखारी बना रहे हो, आप उसके कटोरे में कुछ पकड़ा रहे हो। सहायता पहुंचाना बड़ी बात नहीं है, उसको स्वावलंबी बनाना, उसको शिक्षित बनाना और उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, ये जरूरी है। ये सियासत करती नहीं है, क्योंकि अगर वो स्वावलंबी बन गए, अगर वो शिक्षित बन गए, तो कल वो सारे सवाल करने लगेंगे और फिर वो वोट जाति से नहीं देंगे, आरक्षण से नहीं देंगे, वे वोट देंगे आपका काम देख करके, आपका आचार देख करके, आपके व्यक्तित्व को देख करके। और सियासत ये नहीं चाहती, इसलिए आजादी से के इतने साल बाद भी इस देश में गरीबी बढ़ी है, इस देश में बेकारी बढ़ी है। अब एक नजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं इस चुनावी चौपाल के हिसाब से देखूं तो अभी देखने में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जो मेरी ज्योतिष कहती है। टकराव की स्थिति में है। अब कब कहां किसके वोट कटेंगे ये होगा, और जब 11 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात मैंने कही थी वो कहां तक सटीक बैठी है। मैं आज जो एक बात कहना चाहता हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस चुनाव में नारी शक्ति का विशेष प्रभाव रहेगा, और आज मैं एक संभावना इस वीडियो में आपको देना चाहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो स्मृति ईरानी का चेहरा यहां से आ सकता है। ये ध्यान में रखिएगा बात, ये अचानक कुछ यहां पे हो सकता है, ये संभावना है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें ज्योतिष की बात नहीं है, मैंने स्मृति ईरानी जी की कुंडली नहीं देखी है, लेकिन मैं एक संभावना पर विचार कर रहा हूं। इसे आप राजनीतिक रूप से ले सकते हैं, मेरी ज्योतिष को जोड़ें तो सिर्फ इतना सा उसमें ले सकते हैं कि वहां से एक इंडिकेशन था कि नारी का प्रभाव रहेगा। तो जब चुनाव प्रचार में नारी का प्रभाव रहेगा तो कुर्सी पर भी नारी का प्रभाव रह सकता है, और नारी का प्रभाव कुर्सी पर रह सकता है तब आपके जहन में मायावती का भी ख्याल आ सकता है, लेकिन मेरी ज्योतिष गणित से मायावती सी नहीं आने वाली। तो अब अगर बीजेपी आ रही है तो बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी सबसे अधिक वजनदार चेहरा नारी के रूप में हो सकता है। एक चेहरा अनुप्रिया पटेल का भी है, लेकिन स्मृति ईरानी की संभावना यहां पर कुछ इस तरह से कुर्सी तक आने की, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई विशेष बागडोर, विशेष कमान हाथ में अतिरिक्त रूप से आने की आ सकती है। मैं नारी के प्रभाव की बात कर रहा हूं तो मैं प्रियंका गांधी को भी नहीं भूलूंगा। प्रियंका गांधी का भी अपना व्यक्तित्व है, अपना प्रभाव है, कांग्रेस के लिए सकारात्मक उनका काम होगा, पर कांग्रेस के पास कुछ पाने के लिए खास है नहीं, संभावना नहीं है। इसलिए जो कुछ मिलेगा वो प्रियंका गांधी के चेहरे से ही मिलेगा, क्योंकि हमारे राहुल जी तो बोलते बोलते कभी कुछ ऐसे बोल बोल जाते हैं कि जो मिलना होता है वो कहीं और दूर चला जाता है। तो ये था राजनीतिक समीकरण, एक चौपाल की तरह मैंने एक संक्षिप्त में अपनी बात आप तक कही। मैं अब भी उसी बात पे कायम हूँ ज्योतिष के हिसाब से कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना चाहिए। और जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता था कि अखिलेश जी इस चुनावी समर में के चक्रव्यूह में जैसे घिरे हुए योद्धा की तरह हैं और अपनों से ज्यादा खतरा है। नारी के रूप में जब मैंने अपनी बात की तो मैं एकदम बात स्पष्ट कर दूं कि नारी शक्ति का प्रभाव
इस चुनाव पे बोलेगा। स्टार प्रचारक अगर नारी जहां जहां से जाएगी वहां मतदाताओं के दिलो दिमाग में उसकी बात उतरेगी। और एक बात यह स्मृति ईरानी जी का फिर जिक्र कर दूं कि अगर अगर औपचारिकताओं में अगर कहीं कोई खामियां ना हो तो स्मृति ईरानी अगर वहां बन सकती हो मुख्यमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हो सकता है स्मृति ईरानी की ताजपोशी हो जाए। और अगर कुछ औपचारिकताओं में की वजह से नहीं हो सकती, तब भी उनका प्रभाव वहां रहने की बड़ी संभावना मुझे दिख रही है। तो दोस्तों, बहुत लंबा हो गया आपसे बात करते करते, पता ही नहीं चलता 20 मिनट का हो गया, 21 मिनट का हो गया, लेकिन मैं आभारी हूँ आप इतना सुन लेते हैं, इतना वक्त देते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल कुछ नए विचारों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुझे सुनते रहिए, मेरी दुआएं लेते रहिए, और जिंदगी आपकी खुश हो, सफल हो, सुखद हो, सरल हो, ये मेरी शुभकामना। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, मिलते हैं कल।